हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर का पहला अध्याय, जिसका नाम क्या है, शरीर। यानी कि इस वीडियो में मैं शरीर के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके क्या क्या पर्याय हैं और इसके आगे चल के किन किन संहिताओं में वर्णन आया है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है शरीर की व्याख्या। शरीर की व्याख्या यहाँ पे जो पहला श्लोक दिया गया है, इसका रेफरेंस चरक शरीर स्थान का छठा अध्याय है। वहाँ पे शरीर शब्द की बहुत ही सुंदर वर्णों में व्याख्या किया गया है, जैसा कि श्लोक में देख सकते हैं। श्लोक में बताया गया, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मकम संयोगवाही। इसका मतलब क्या है, तत्र शरीरम यानी कि शरीर उसे कहते हैं जिसमें नाम चेतना अधिष्ठान भूतम यानी कि जिसके अंदर चेतना हो। ठीक है, जिसके अंदर चेतना हो और कहाँ पे चेतना हो, तो आपको पता होगा हमारा शरीर जो होता है पंच भौतिक होता है, यानी कि पांच तत्वों से मिलके बना होता है। कौन कौन से पांच तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों को मिलने से ही हमारा शरीर बनता है। तो अब देखिए, शरीर तो बन गया, लेकिन आप इसको शरीर शब्द एक्चुअल में कब कहेंगे, जब इसमें आत्मा प्रविष्ट कर जाएगी। केवल पंच महाभूत बनने के वजह से ये शरीर तो है लेकिन निर्जीव है, तो इसको एक्चुअल में शरीर तब कहा जाता है जब इसमें आत्मा का प्रविष्ट, आत्मा का मतलब चेतना। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आत्मा का मतलब चेतना होता है, तो ये जब मिल जाता है तब जाके शरीर बनता है। इसके अलावा हमारे जो भी शरीर है, शरीर के अलावा संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती है आपको, वह सभी क्या हैं, पंच भौतिक हैं। अब इन्हीं पंच भौतिक विकारों में, पंच भौतिक विकार का मतलब क्या हो गया, जैसे रसादि धातुएं, रसादि धातुएं का मतलब क्या हो गया, रस देखिए अलग होता है और धातुएं अलग होती है। रस षड रस होते हैं जो आगे आप चल के पढ़ेंगे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये छह रस होते हैं। इसके अलावा जो सात धातुएं होती हैं हमारे शरीर की, जो इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, कौन कौन सी है, सात धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसको आप एकदम क्रम में याद रखिए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सात धातुएं होती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में दोष होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे दो प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक और मानसिक। लेकिन आप अगर फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में बस अभी इतना याद रखिए कि दोष का मतलब तीन दोष, कौन कौन से, यहाँ पे क्रिया शरीर में जो है तीन दोष, वात, पित्त, कफ, आप इतना समझिए, वात, पित्त, कफ है, ये त्रिदोष के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मल, मल का मतलब त्रिमल होता है, त्रिमल में मल, मूत्र और स्वेद, ये तीन आते हैं जिसको त्रिमल के अंतर्गत रखा गया। तो इन सबों का ग्रहण किया गया, ठीक है, पंचमहाभूत विकारों में इन सबों का, यानी कि इन सब में अगर कोई विकार आता है तो उन सब को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया। तो अब आपसे कोई भी शरीर का परिभाषा पूछे तो ये श्लोक आप याद रखिए, श्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो श्लोक याद हो जाएगा और इसका परिभाषा, अगर इसको एक शब्दों में बोला जाए तो आप इसे कह सकते हैं कि शरीर वह है जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो, जो पंच महाभूत विकारों का समुदाय हो। ठीक है, उसे ही शरीर के नाम से जानना चाहिए। इसके अलावा जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने भी इसका एक्सप्लेनेशन किया, उन्होंने सुश्रुत शरीर स्थान के पांचवें अध्याय में किया है। तो ये वाला श्लोक काफ़ी बड़ा हो जाता है तो बच्चे याद नहीं कर पाते, तो हिंदी इसका केवल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, श्लोक में हिंदी क्या है, इन्होंने ये बताया गया कि जो शुरू में गर्भ से उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि गर्भ कैसे बनता है, कैसे उसमें अंग प्रत्यंग डेवलप होते हैं, उन सब के बारे में बताया गया। तो इन्होंने बताया है, गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति, प्रकृति के अंतर्गत अष्ट प्रकृति, इसके अंतर्गत प्रकृति, महत, अहंकार और पंच तन्मात्राएँ जो हैं इंक्लूड की गई हैं, और विकारों, विकारों का मतलब पंच महाभूत एवं एकादश इंद्रिया। आपको पता ही होगा हमारे शरीर में इंद्रिया कितनी होती है, 11 होती है ना, इसमें से कौन कौन सी होती है, 11 इंद्रिया। तो 11 इंद्रियों की बात करें तो आपको पता होगा पांच ज्ञान इंद्रिय होती है और पांच कर्म इंद्रिय होती है। ठीक है, पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय, और एक होता है उभय इंद्रिय। कौन सा उभय इंद्रिय होता है, वो होता है मन। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है टॉपिक तो बता दे रहा हूँ, इसको याद रखिए। इंद्रियाँ होती है 11, पांच होती हैं कर्म इंद्रियाँ, पांच होती हैं
ज्ञानेन्द्रिय, ठीक है, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, जिससे कर्म करते हैं उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहाँ पे अष्ट प्रकृति आ गया है, ठीक है। उसके बाद से पंच महाभूत विकार, इसके अलावा जब ये शुक्र और शोणित मिलते हैं तो उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। सिंपल वर्डों में समझिए कि गर्भाशय के इस अंदर स्थित आत्मा तथा शुक्र शोणित का जब संयोग होता है तो उससे गर्भ की उत्पत्ति होती है, और वही गर्भ जब चेतना से युक्त हो जाता है तो उसमें तेज से पाचन, आप्य से क्लेदन, ठीक है, पृथ्वी से संगनन यानी कठिनता, आकाश महाभूत का विवर्धन, विवर्धन का मतलब हो गया आकाश में बुद्धि, ठीक है, आकार में वृद्धि, विवर्धन का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि जब शरीर बच्चा बन जाता है तो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसकी वृद्धि होती है कैसे, उन सब का संयोग जहाँ पे होता है और हस्त कर्णपाद ये सारे विकसित हो जाते हैं तब जाके उसे क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला श्लोक अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी है बात है, नहीं तो आप इसको हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हिंदी इम्पोर्टेंट है। इसके आगे अब बात करते हैं शरीर शब्द के कुछ पर्याय के बारे में, और ये पर्याय भी अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है कि शरीर शब्द का पर्याय कौन कौन सा है। पर्याय बहुत सारे दिए हैं लेकिन सबको याद नहीं करना है, आपको केवल चार पर्याय याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से चार पर्याय हैं, तो शरीर शब्द के चार पर्याय, पहला तो शरीर ही है, दूसरा है देह, तीसरा है काय और चौथा है पुरुष। अब इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को और बढ़ा के लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं बढ़िया, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लिखना ही ज़्यादा होता है। अगर ये मान लीजिए 10 नंबर पे क्वेश्चन आ गया तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले शरीर इसे क्यों कहते हैं, शरीर का मतलब क्या है, तो इसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, आप इसको चाहें तो याद कर सकते हैं, श्रीयते इति शरीरम, यानी कि शरीर शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो उसका मतलब होता है जिसका निरंतर नाश होता है, यानी कि जो शरीर है हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ नाश होता रहता है, ठीक है, कुछ ख़त्म होता रहता है और तभी तो वृद्धावस्था आती है, आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यह निरंतर नाश होने के कारण इसे क्या कहा गया, शरीर कहा गया है। देह शब्द का क्या मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वह स्थान जहाँ पे दोष धातु मल की पुष्टि होती है एवं क्षतिपूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, देह कहते हैं। मॉडर्न में आप इसको समझ सकते हैं, जैसे वह स्थान जहाँ पे एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, देह। देह का मतलब हो गया जहाँ पे ये सारी प्रक्रियाएं होती रहती है, ठीक है, इसलिए उसको देह कहा जाता है। अब देखते हैं काय का मतलब क्या होता है, काय कैश धातु से बना है, ठीक है, काय शब्द धातु से निष्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, काय शब्द का अर्थ होता है शब्द कहने वाला या फिर शब्द करने वाला या फिर शब्द उत्पन्न करने वाला या फिर ऐसे समझिए बोलने वाला, ठीक है। तो हमारा शरीर है, तो शरीर है इसके साथ साथ इसमें चेतना का अधिष्ठान होगा तभी तो हम बोल रहे हैं, इसलिए इसको काय कहा गया है। इसका एक और अर्थ है संग्रहित अन्न के द्वारा जिसका पोषण एवं निर्माण होता है उसे काय कहते हैं, यानी कि जब आपने अन्न सेवन किया है, अन्न का ग्रहण किया है, उसके आधार पे हमारे शरीर में इसका पोषण तो हो गया और शरीर का निर्माण भी हो गया और शरीर निरंतर कार्य करता भी रहता है, तो इसके वजह से इसको काय कहा गया है। तो समझ में आ गया, इसके आगे बात करते हैं पुरुष। पुरुष शब्द का मतलब क्या है, पुरुष क्यों बोला गया है शरीर को, क्योंकि शरीर के अंदर जो होता है, शरीर के अंदर जो होता है हमेशा विद्यमान रहता है, ठीक है। पुरुष का मतलब क्या है, इसमें आत्मा का बोध होता है, पुरुष का आत्मा से बोध होता है, तो जो शरीर के अंदर हमेशा विद्यमान रहे उसे क्या कहेंगे, पुरुष कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।